अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गेट मैकेनिकल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपसे इससे पहले मैं पढ़ाऊँ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारे कोई भी लेक्चर कोई भी वीडियो हमारा फ्री नहीं है। हमारी बिल्कुल छोटी सी फीस है वो ये कि अगर आपको लगे कि हमारे इस लेक्चर ने आपकी मदद की है तो आपको इस वीडियो को इस लेक्चर को सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब या जहाँ पर भी आप प्रेजेंट है आपको इस लेक्चर को सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना है। आपको मेरी मदद करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। तो आज का जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और श्योर शॉर्ट टॉपिक है वो है फ्लाईव्हील। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप इसका महत्व तो जानते ही होंगे, आपको ये बात ऑलरेडी मालूम होगी कि इसके कितने ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पर इससे पहले कि मैं आपको फ्लाईव्हील पढ़ाऊँ मैं आपसे एक छोटा सा एक नहीं तीन छोटे से क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। क्या तीन क्वेश्चंस क्या है कि आपको क्या याद है कि ये मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे क्या ड्रॉ किया है? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन, इसके वाई एक्सिस पर क्या है और इसके एक्स एक्सिस पर क्या है? और तीसरा कि इस डायग्राम का नाम क्या है? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट हर किसी को मालूम होगा। ये डायग्राम हालांकि मैंने कुछ भी एक्स और वाई पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है बट स्टिल हर स्टूडेंट ये बात जानता है कि ये रिलेटेड है सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन से, पेट्रोल या डीजल कोई सा भी। और आप जानते हैं कि ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय सक्शन स्ट्रोक, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय कंप्रेशन स्ट्रोक, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय पावर स्ट्रोक जब पावर रिलीज हो रही है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हर किसी को मालूम है। ठीक है, पर अगर सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर मे बी 1% चांस अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूं। वाई एक्सिस पर है राजे टॉर्क, ये वो टॉर्क है जो मुझे इंजन से मिल रहा है, जो इंजन से जो शाफ्ट बाहर आ रही होती है जो घूम रही है उस पर जो टॉर्क है जो मुझे मिल रहा है वो मैंने इधर ड्रॉ किया है। और यहां पर एक्स एक्सिस पर मैंने ड्रॉ किया क्रैंक एंगल, एक्स एक्सिस पर मैंने ड्रॉ किया क्रैंक एंगल। और आप जानते हैं कि ये एक फोर स्ट्रोक इंजन है। फोर स्ट्रोक इंजन की एक बड़ी खास बात होती है कि फोर स्ट्रोक इंजन का एक साइकिल इंजन की दो रेवोल्यूशन में पूरा होता है। हम इस बात को जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन 2π एंगल के बराबर होती है और जो फोर स्ट्रोक इंजन है उसकी जो रेवोल्यूशन है वो 4π एंगल को कवर करके कंप्लीट होती है। तो यहां पर आएगा 0 डिग्री, यहां पर आएगा पाई, यहां पर आएगा 2π, यहां पर आएगा 3π और यहां पर आएगा 4π। ठीक है, तो एक साइकिल जो कि दो रेवोल्यूशन के उसको पूरा करने के बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी और ऐसा ही चलता रहेगा। तो मेरा छोटा सा आपसे बिल्कुल एक छोटा सा प्रश्न है, क्या कि हम जानते हैं कि तीसरे स्ट्रोक के अंदर पावर रिलीज होती है? ठीक है, तीसरे स्ट्रोक में पावर रिलीज होती है, पावर स्ट्रोक है, तो ये स्ट्रोक अपने आप हो जाएगा, पिस्टन सबसे ऊपर है, जैसे उसके ऊपर एक ब्लास्ट होगा उसकी फोर्स से पिस्टन नीचे जाएगा। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज इसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसके अंदर जो पिस्टन है वो जो एग्जॉस्ट हवा है उसे इंजन से बाहर निकालता है। फिर है सक्शन स्ट्रोक जिसमें पिस्टन हवा को खींचता है, और उसके बाद आता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक जिसमें पिस्टन हवा को कंप्रेस करता है। ठीक है, तो हम सभी इस बात को जानते हैं क्या कि तीसरा स्ट्रोक इकलौता ऐसा स्ट्रोक है जिसमें पावर प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है। फोर्थ स्ट्रोक, फर्स्ट और सेकेंड, इन तीनों ही स्ट्रोक्स के अंदर पावर रिक्वायर्ड होती है, कंज्यूम होती है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि इन तीन स्ट्रोक्स में पावर को सप्लाई करता कौन है? ठीक है, एंड द आंसर इज फ्लाईव्हील। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फ्लाईव्हील। ठीक है, तो जो बाकी के तीन स्ट्रोक्स है उसमें पावर कौन सप्लाई करता है? फ्लाईव्हील। ठीक है, तो एक्चुअली फ्लाईव्हील होता क्या है राजे? फ्लाईव्हील सिंपली एक डिस्क होती है, डिस्क। ठीक है, एक डिस्क होती है हैवी मास की। ठीक है, मैं डिस्क बहुत जोर देके कह रहा हूं क्योंकि 99% केसेस में फ्लाईव्हील एक डिस्क की ही शेप में होता है। देयर आर वेरी रेयर केसेस, कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फ्लाईव्हील एक साइकिल का रिम जो होता है, टायर का जो रिम है उस शेप
का होता है, ठीक है, पर वो केसेस बहुत रेयर है. जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स अंटिल और अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, अगर फ्लाईव्हील दिया हुआ है तो हम एज्यूम कर सकते हैं बड़ी फ्रीली कि वो एक डिस्क शेप, ठीक है. तो फ्लाईव्हील बेसिकली एक डिस्क है हैवी मास की, इसका मास बहुत ज्यादा होता है, जिसे हमने क्रैंक शाफ्ट के ऊपर माउंट कर रखा है, ठीक है. तो जो क्रैंक शाफ्ट होती है इंजन की, उसके साथ फ्लाई व्हील जुड़ा हुआ होता है, ठीक है. तो जैसे क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, इंजन चल रहा है, क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, क्रैंक घूम रही है, क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, तो उसके साथ साथ हमारा फ्लाई व्हील भी क्या है, फ्लाई व्हील भी घूम रहा है, ठीक है. तो फ्लाई व्हील किसी बैंक की तरह काम करता है, किसी बैंक की तरह. जैसे हमारे पास जब मनी सरप्लस होती है, हमें नहीं चाहिए, हम उसे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से निकलवा लेते हैं, ठीक है. तो इन द सेम वे इंजन के पास जब एनर्जी सरप्लस होती है तो वो स्टोर हो जाती है फ्लाईव्हील के अंदर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, कि जो फ्लाईव्हील है वो एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है. तो जब इंजन के पास सरप्लस एनर्जी होती है तो वो स्टोर हो जाती है फ्लाईव्हील के अंदर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जब इंजन को पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसी फ्लाईव्हील से जो उसने डिपॉजिट कराई थी एनर्जी, वो उस फ्लाईव्हील से वापस ले लेता है. तो फ्लाईव्हील काफी हद तक एक बैंक की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक शायद हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देता है, पर फ्लाईव्हील में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है. तो ये है हमारा फ्लाईव्हील, ठीक है. एक और आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं शेयर करना चाहूंगा कि फ्लाईव्हील इंजन की स्पीड को मेंटेन करने में मदद करता है, स्पीड को रेगुलेट करने में मदद करता है ड्यूरिंग अ साइकिल, ठीक है. राजी एक साइकिल है, एक साइकिल है 0 से लेकर 4π तक, ठीक है. मतलब अगर फ्लाईव्हील ना हो तो इंजन रुक जाएगा, यहां पावर रिलीज होगी और इंजन रुक जाएगा, ठीक है. क्यों, इंजन को पावर देने वाला कोई नहीं है, पर फ्लाईव्हील इन तीन एक्स्ट्रा पावर तीसरे स्ट्रोक में फ्लाईव्हील अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और बाकी के तीन स्ट्रोक्स में प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो फ्लाईव्हील इंजन की स्पीड को मेंटेन करने में मदद करता है ड्यूरिंग अ साइकिल, एक साइकिल के दौरान, एक साइकिल के अंदर, ठीक है. इतना जोर देके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और भी चीज है जो इंजन की स्पीड को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और वो है गवर्नर, ठीक है. पर गवर्नर में और फ्लाईव्हील में क्या फर्क है, गवर्नर बेसिकली ऑयल की, तेल की सप्लाई को रेगुलेट करता है, ठीक है. मतलब अगर आप इंजन के ऊपर लोड को बढ़ा देंगे तो इंजन को, अगर लोड बढ़ा दिया आपने, उसके ऊपर लोड अगर बढ़ गया है तो उसे ज्यादा तेल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. और अगर इंजन पे से अगर आपने लोड हटा दिया है तो उसे कम तेल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. तो इंजन के ऑयल की सप्लाई को विद द वेरिएशन ऑफ लोड ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, किसी लंबे टाइम के स्पैन में जैसे जैसे लोड चेंज होता है तो उसके साथ इंजन की स्पीड को गवर्न करता है गवर्नर, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है फ्लाईव्हील में और गवर्नर में. तो आपको पता चल गया कि फ्लाईव्हील कुछ भी नहीं है, सिंपली एक डिस्क है हैवी मास की, जिसका काफी वजन है, जो आपने क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जोड़ दिया, जो गोल गोल घूम रही है और अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लाईव्हील के अंदर जाती है, फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि फ्लाईव्हील की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है. और जब हम फ्लाईव्हील से एनर्जी वापस ले लेते हैं तो फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि फ्लाईव्हील की स्पीड माइनर सी, थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है. तो ये था फ्लाईव्हील. पर अगर हम इससे भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें पढ़ना होगा टर्निंग मोमेंट डायग्राम्स, मतलब हमें थोड़ा और आइडिया लेना होगा इन टर्निंग मोमेंट डायग्राम्स के बारे में. तो राजी मैंने आपको बताया कि यह है एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, जिसमें वाई एक्सिस पर है हमारा इंजन का टॉर्क, और एक्स एक्सिस पर है क्रैंक एंगल, ठीक है. कि जो क्रैंक है वो जैसे टॉप डेड सेंटर पे, अभी क्रैंक सबसे ऊपर है, ठीक है. तो जैसे इसे घूम रही है, ठीक है, जैसे इसे घूम रही है, उस तरह से किस तरह से इंजन का टॉर्क वेरी हो रहा है, तो ये जो डायग्राम है ये टॉर्क के वेरिएशन को शो करता है, ठीक है. तो अलग अलग तरह के इंजन्स के अलग अलग तरह के डायग्राम्स होते हैं, टर्निंग मोमेंट डायग्राम्स अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है. तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का हम एक हल्का सा आइडिया लेते हैं, क्या, जैसे सबसे पहले हम हल्का सा आइडिया लेते हैं किसी सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन के टर्निंग मोमेंट डायग्राम का, ठीक है. तो हमारे पास सपोज कीजिए है एक सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन, ठीक है. ये सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन, ये क्या चीज है रजे, स्टीम बाहर बॉयलर में बन रही होती है, ठीक है. और यहां पर होता है पिस्टन, ये नीचे है पिस्टन रॉड, ठीक है.
और यहाँ पर है आपका इनलेट वॉल्व, यहाँ पर है हमारा इनलेट पोर्ट, ये है एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है। तो अभी क्या है कि इनलेट पोर्ट ओपन होता है और स्टीम अंदर आती है, ठीक है। तो अंदर आके भी पिस्टन सबसे ऊपर है, स्टीम अंदर आएगी, पिस्टन नीचे जाएगा, पुश करेगी स्टीम, पिस्टन को पावर जनरेट होगी, ठीक है। फिर जब पिस्टन सबसे नीचे पहुंच जाएगा तो हमारा इनलेट वॉल्व बंद हो जाएगा, हमारा एग्जॉस्ट वाली एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा और पिस्टन ड्यू टू इनर्शिया फ्लाईव्हील पिस्टन को एनर्जी देगा, पिस्टन ऊपर जाएगा और सारी बची कुची गैसेस को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये है हमारा सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन, जिसमें जब पिस्टन नीचे मूव कर रहा है तो पावर प्रोड्यूस हो रही है और जब ऊपर जा रहा है तो पावर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उल्टा शायद कंज्यूम ही हो रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो डायग्राम है इट इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ डायग्राम आता है ये, ठीक है। दिस इज जीरो, दिस इज पाई एंड दिस इज टू पाई, ठीक है। तो यहां पर है हमारा टॉर्क, ठीक है, और यहां पर है क्रैंक एंगल थीटा, ठीक है, क्रैंक एंगल थीटा। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, जीरो से लेकर पाई तक। अभी पिस्टन नीचे जा रहा है, पावर प्रोड्यूस हो रही है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर प्रोड्यूस नहीं होगी, पर सच्चाई है कि डायग्राम थोड़ा सा नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि इस अब इंजन को पावर की जरूरत है, हमें जोर लगाना पड़ेगा, इंजन को घुमाना पड़ेगा कि पिस्टन ऊपर जाए और एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाले, ठीक है। तो राजे दिस इज द डायग्राम फॉर अ सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन। उसके बाद आता है हमारे पास डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन। उसमें क्या चीज है राजे कि यहां पर पिस्टन में नीचे भी यहां पर पोर्ट्स बने होते हैं, ठीक है। तो क्या चीज है, स्टीम ऊपर से भी आती है और नीचे से भी आती है, ठीक है। वो किस तरह से, बारी बारी से रोता है, पहले ऊपर से आएगी, पिस्टन नीचे जाएगा और जब ये नीचे जा रहा है तो यहाँ का एग्जॉस्ट पोर्ट खुला हुआ है, यहाँ की जो स्टीम है वो बाहर निकल जाती है, और जब ये सबसे नीचे पहुंच गया फिर उसके बाद यहाँ का इनलेट खुलता है और वहां का एग्जॉस्ट खुलता है, तो नीचे से स्टीम आती है और यहां से ऊपर से बची कुची स्टीम निकल जाती है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस कि दोनों ही स्ट्रोक्स में पावर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहां से इस बार नए केस में जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार आता है, लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस प्रकार ये, ठीक है, और दिस इज माई टू पाई, ठीक है, और ये आगे इस तरह से चलता रहता है, ये जो साइकिल है रिपीट होता रहेगा, जीरो से लेकर टू पाई तक, टू पाई, और ये जो साइकिल है ये रिपीट होता जाएगा इनडेफिनेटली, ठीक है। सो दिस इज द टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, ठीक है। तो ये तो सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का डायग्राम था। इसी तरह से हम मल्टी सिलेंडर इंजन का भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। शायद राजे आपने एक छोटा सा पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैंने फोर स्ट्रोक इंजन का डायग्राम बनाया तो जीरो से लेकर फोर पाई तक, यानी दो रेवोल्यूशन में एक बार पावर प्रोड्यूस हो रही थी, तो जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम था वो काफी अनइवन था, ठीक है। फिर मैंने जब सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग का डायग्राम बनाया तो जीरो से लेकर टू पाई तक में आपको एक पीक मिली, ठीक है, तो इट वॉज अ लिटिल बिट मोर यूनिफॉर्म। सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग में दो बार पावर प्रोड्यूस हो रही है तो इट इज इवन मोर यूनिफॉर्म, ठीक है ना। जब बात करते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन की, सपोज कीजिए, मतलब अंदाजे से रफ हैंड कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक चार सिलेंडर इंजन है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि हर स्ट्रोक के दौरान किसी ना किसी सिलेंडर में पावर प्रोड्यूस हो रही होगी। सो इट विल बी, जो उसका टर्निंग डायग्राम है वो और भी ज्यादा यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। ऐसी है, अगर हमारे पास हो 6 सिलेंडर इंजन, 8 सिलेंडर इंजन, 12 सिलेंडर इंजन या 16 सिलेंडर इंजन, ऐसे जैसे नंबर ऑफ सिलेंडर्स बढ़ते जाएंगे जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो और भी ज्यादा यूनिफॉर्म होता जाएगा, ठीक है। तो मे बी शायद किसी मल्टी सिलेंडर इंजन का जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है, मे बी वो कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। तो किसी मल्टी सिलेंडर इंजन का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है। तो राजे फिलहाल पढ़ने के लिए, मतलब आई फील कि एक डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का डायग्राम सबसे अच्छा रहेगा, इसकी मदद से हम अपने फ्लाईव्हील के सभी फंडे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पर उससे पहले राजे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा या आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। इन द सिमिलर फैशन टॉर्क, फोर्स की जगह में टॉर्क लिया है, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल की जगह में एंगल टर्न्ड एंगल, ठीक है,
तो मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। उसी तरह से टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय थीटा, टॉर्क अप्लाइड इनटू एंगल ट्रेवल्ड, ये भी क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, ठीक है। तो रजे, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको लाइफ में कभी डायग्राम्स को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। तो रजे, सपोज कीजिए इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, सपोज कीजिए इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, कि क्या आप बता सकते हो रजे मुझे ये हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आपको मालूम है ये हाइट टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, टॉर्क को, ठीक है। और रजे हल्की सी चौड़ाई, ये हल्की सी चौड़ाई, ये बता सकते हो आप ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस इंस्टेंट पे हल्का सा एंगल ट्रेवल्ड, क्रैंक बिल्कुल माइनर सा घूमी है बाय एन एंगल डी थीटा। सो दिस इज माई डी थीटा, ठीक है। क्रैंक जो है उसने बिल्कुल माइनर सा एंगल डी थीटा कवर किया है, ठीक है। सो दिस इज माई टॉर्क, दिस इज माई माइनर एंगल टर्न डी थीटा, ठीक है। तो रजे, मैं यहां पर ये रेक्टेंगल पूरा कर रहा हूं, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रजे, ऑफ कोर्स ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, क्या हाइट है टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगल टर्न, छोटा सा ही सही, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स माई स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, छोटा सा वर्क डन। तो आपको पता चल गया है क्या, कि टी डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ठीक है। मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा होता तो मैं यहाँ पे डी बार डब्ल्यू लिखता, ठीक है। पर खैर उसको छोड़िए, उसकी अभी जरूरत नहीं है। तो यहां पर अब आपको पता चल गया है क्या, कि जो ये कर्व के नीचे का ये एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। तो सिमिलरली ये राजी, ये पूरा कर्व, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये पूरा कर्व, ठीक है, ये इस कर्व के नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दिस विल रिप्रेजेंट माई टोटल वर्क डन, ठीक है। ये इस पूरी कर्व के नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट माई टोटल वर्क डन, ठीक है। टोटल वर्क डन, टोटल जो काम हुआ है इस कर्व के नीचे का एरिया वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और सुनिए क्या रजी, कितना एंगल कवर हुआ है, कितना एंगल, जीरो से लेकर टू पाई तक, जीरो से लेकर टू पाई तक कवर हुआ है ना, यानी कि जीरो से लेकर टू पाई मतलब जीरो से लेकर टू पाई, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो रजी, यानी कि इसका मतलब ये है क्या, कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो पूरा का पूरा ये जो एरिया है, दिस कंप्लीट एरिया, इट रिप्रेजेंट्स माई वर्क डन बाय द इंजन इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जीरो से लेकर टू पाई तक का जो ये कर्व मैंने ड्रॉ किया है, इसके नीचे का एरिया, इट रिप्रेजेंट्स माई वर्क डन इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। राजी, आप मान सकते हो कि इस छोटी सी चीज पर क्या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी थीटा, ठीक है। इस छोटी सी चीज पर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेट 2015 में एक क्वेश्चन आया था, जिसमें एग्जामिनर ने हमें टॉर्क की क्वेश्चन दी थी, कि टॉर्क एंगल के साथ साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। और पूछा गया था कि इंजन की पावर बताओ, कि इंजन की पावर क्या है, ठीक है। तो रजी, कितना ज्यादा सिंपल था वो क्वेश्चन, कितना ज्यादा सिंपल था, क्या आपको टॉर्क की क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है। अब नाउ डी बार डब्ल्यू, ये क्या है, टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ये किसी इंस्टेंट का फॉर्मूला आ गया, तो टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन ये क्या होगा, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ टी डी थीटा, ठीक है। और मेरा एंगल कहां से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से लेकर टू पाई तक, ठीक है, जीरो से लेकर टू पाई तक वेरी करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरा वर्क डन इन अ साइकिल आ जाएगा, इन अ साइकिल एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना वर्क डन हो रहा है, ये मुझे यहां से पता लग जाएगा, ये आप एग्री कर रहे हो, ठीक है। अब राजे, एक रेवोल्यूशन का वर्क डन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में इंजन के आरपीएम दिए हुए थे, ठीक है। अब अगर इंजन के आरपीएम है एन, तो इंजन के रोटेशंस पर सेकंड कितने होंगे, इट विल बी एन बाय 60, ठीक है। आरपीएम दे रखे हैं एन, रोटेशंस पर मिनट, तो रोटेशंस पर सेकंड कितने होंगे, इट विल बी एन बाय 60, ठीक है। तो इतनी बार वो इंजन, वो क्रैंक घूमेगी, एक रेवोल्यूशन में इतना काम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है।
तो टोटल वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड क्या होगा, वर्क डन पर रेवोल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। तो ये वर्क डन पर सेकंड क्या होता है, इट्स पावर, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया कि आपके इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, थीटा का तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो हमेशा रेडियंस में होता है, ठीक है। टॉर्क किस में होगा, न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो जब आप न्यूटन मीटर में सॉल्व करोगे और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे, आपके जो इंजन की पावर है वो आएगी वॉट्स में, वॉट्स, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में किस यूनिट में मांगा गया है, तो वॉट्स में मांगा गया है तो आप ऐसे ही पुट कर दोगे, अगर किलो वॉट्स में मांगा गया है तो आप 100 से डिवाइड करके उसे किलो वॉट्स में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो कितनी बेसिक सी चीज के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया क्या कि इस कर्व के नीचे का एरिया व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन पर साइकिल, एक साइकिल के अंदर कितना काम हो रहा है, ये इस कर्व के नीचे का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके ठीक है राजा, हमने सोम के, टॉर्जन के, मशीन डिजाइन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और आपको क्वेश्चन में जनरली क्या दे रखा होता है, क्या कि एक शाफ्ट है वो ट्रांसमिट कर रही है इतना टॉर्क, ठीक है, इंजन कनेक्टेड है, इंजन कनेक्टेड है किसी मशीन से, ठीक है, और जिस शाफ्ट से जुड़ा हुआ है वो मतलब इतना टॉर्क ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। अब आपको क्या पता चले एक नई बात, क्या कि जो ये टॉर्क जो इंजन पैदा कर रहे होते हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। वो जो टॉर्क इंजन पैदा कर रहे हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, वो चेंज करता रहता है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या एक और नया क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए अभी दे रहा हूं, जो आपको अभी सॉल्व करना है, क्या कि मुझे बताइए कि इंजन कितनी मीन टॉर्क पैदा कर रहा है, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि इंजन कितनी मीन टॉर्क, एवरेज टॉर्क इस इंजन की कितनी है, एवरेज टॉर्क इस इंजन की कितनी है, ठीक है। तो वो मतलब आप बड़े ही आराम से, और आपने अब तक तो सॉल्व कर लिया होगा, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये फॉर्मूला लिखा है राजे आपके सामने, ठीक है, क्या टॉर्क इंटू एंगल टर्न इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, टॉर्क इंटू एंगल टर्न इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। मुझे निकालना है मीन टॉर्क, टी मीन, मीन टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगल टर्न, एंगल टर्न कितना है मेरा, जीरो से लेकर टू पाई, इंटू टू पाई इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। और रजे वर्क डन इन वन रेवोल्यूशन क्या है, इट इज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो टी मीन इंटू टू पाई ये क्या आ गया, एरिया अंडर द कर्व, सही है नहीं, ठीक है। तो टी मीन, टी मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मेरा टी मीन क्या आ जाएगा इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया क्या है, वर्क डन पर साइकिल या वर्क डन फ्रॉम जीरो से टू पाई डिवाइडेड बाय टू पाई, ठीक है। सो दिस इज माय मीन टॉर्क, ठीक है, ये क्या आ गया मेरा मीन टॉर्क, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज टॉर्क दैट द इंजन इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है, दिस इज द एवरेज टॉर्क। मेरा जी मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, क्या कि आप इंजन से किसी मशीन को चला रहे हो, मशीन को, ठीक है, या आप इंजन से आपने किसी जनरेटर के अंदर आपने इंजन से कोई अल्टरनेटर जोड़ रखा है जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है, या राजा आप इंजन से अपनी कार ही चला रहे हो, कार चला रहे हो एट कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड पे, ठीक है। तो राजे दो सच्चाइयां बता रहा हूं, क्या पहली सच्चाई ये कि जो इंजन टॉर्क पैदा कर रहा है वो हर इंस्टेंट में उसका मैग्नीट्यूड अलग होता है, ठीक है, और दूसरी सच्चाई है कि मेजोरिटी मशीन्स के अंदर जो टॉर्क रिक्वायरमेंट होती है इट इज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। तो मतलब हमारी जो मशीनरी जो चला रहे हैं हम उसकी पावर रिक्वायरमेंट या उसकी टॉर्क रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, कॉन्स्टेंट, और जो हमारा इंजन पैदा कर रहा है उसकी जो टॉर्क प्रोड्यूस है वो हर इंस्टेंट पे अलग रहती है, ठीक है। तो रजे मेरा कुछ एवरेज टॉर्क निकल के आया है, यहाँ पे कुछ एवरेज टॉर्क निकल के आया, मैं उसे यहां पर प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। ये जो हाइट है, हाइट, दिस इज माय टी मीन, ठीक है, ये मेरा निकल के आया है एवरेज, एवरेज टॉर्क, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज टॉर्क आ गया, ये बेसिकली वो है एवरेज टॉर्क है जो इंजन पैदा कर रहा है, ये वो एवरेज टॉर्क है जो मेरी मशीन को चाहिए, ठीक है, ये वो एवरेज टॉर्क है जो मेरी मशीन को चाहिए, ठीक है।
तो ये बेसिकली अब आपको समझ आ गए, ठीक है। तो दो चीजें आपने सीख ली कि एरिया अंडर द कर्व, दैट्स वर्क डन, और दूसरा आपने एवरेज टॉर्क निकालना सीख लिया है कि वो कैसे निकलता है, ठीक है। अब मैं आपको एक तीसरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाता हूं, क्या ठीक है राजिया। अब मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाता हूँ इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो राजिया अभी हमने बात करी कि जो हमारी मशीनरी चल रही है, जो मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो टॉर्क रिक्वायरमेंट है इट इज कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट टॉर्क मांग रही है, पर मेरा जो इंजन है वो मतलब उसका जो टॉर्क प्रोड्यूस्ड है या वो जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे अलग होता है, ठीक है। तो आइए ऑब्जर्व करते हैं जब मेरे इंजन की क्रैंक पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाती है, ठीक है, मेरा इंजन है, ठीक है, उसकी जो क्रैंक है वो पोजीशन ए से बी तक जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ठीक है राजी, एक्चुअली ऐसे में क्या होता है क्या कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि राजी ए और बी जब इंजन की क्रैंक ए से बी तक मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे केस में इंजन कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या जब इंजन की क्रैंक ए से बी तक जा रही है ऐसे केस में इंजन कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंजन कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। और राजी ए से बी तक क्रैंक जा रही है, ठीक है, तो टर्निंग मोमेंट एफ से जी तक वेरी कर रहा है और एच तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो एफ जी एच इस कर्व के नीचे का एरिया, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया हो गया ये वाला, ठीक है, ये पूरा, ये This complete area, ये जो ये पूरा area है, ठीक है, this is my work produced by the engine, ये वो work है जो engine produce कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया आपको। F G H इस curve के नीचे का area, ये पूरा का पूरा area आ रहा है ये वाला, ठीक है, this is the work produced by the engine, ठीक है। अब राजे मेरा आपसे एक और question है, क्या कि अभी भी हम बात करें कि जो हमारी मशीन चल रही है उसकी टॉर्क रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेंट है, उसकी पावर रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेंट है, उसे पर सेकंड जो वर्क चेट रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है, और ये है उसकी एवरेज टॉर्क टी मीन, ये उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो मैं आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कि इंजन को जो मेरी मशीन है उसको कितने वर्क की जरूरत है, ठीक है, जो मशीन मैं चला रहा हूं इंजन से उसे कितनी वर्क की, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसे कितना टॉर्क चाहिए ये, ठीक है, तो उसे कितना वर्क चाहिए जब क्रैंक घूमती है ए से लेके बी तक, ठीक है, दैट इज दिस, ये जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है ये वाला, ये दिस इज माय पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन, ये क्या है, पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे हो क्या रहा है, ठीक है, जो इंजन है वो इतना अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। राजी आपको मालूम है ना इस डायग्राम के ऊपर एरिया जो है कर्व के नीचे का वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड, वर्क प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इंजन इतना सारा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और हमारी मशीन को सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है, तो ये जो एनर्जी है राजे, ये जो एनर्जी है ये वाली, ये सारी एनर्जी क्या है, ये एनर्जी पूरी क्या है, ये हमारी एनर्जी सारी सरप्लस है, ये एक्स्ट्रा है, ये हमें इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो ये है हमारी सरप्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी कहां चली जाती है, फ्लाईव्हील जो कि एक बैंक का काम करता है, इंजन इस पूरी एक्स्ट्रा एनर्जी को डिपॉजिट करा देता है फ्लाईव्हील के अंदर, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इसलिए जो फ्लाईव्हील की स्पीड है वो भी क्या है, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आए क्या कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया जो बेसिकली राजी ये जो टी मीन 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 टॉर्क की जो लाइन है इससे ऊपर का जितना भी एरिया होता है इट रिप्रेजेंट्स माय सरप्लस एनर्जी, ये मेरी सरप्लस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
तो ये सारी की सारी एनर्जी क्या हमारे फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी ए से बी तक की कहानी। अब हम बात करते हैं बी से सी तक, ठीक है, कि जब क्रैंक घूमती है बी से लेके सी तक। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्यों? क्योंकि राजे इस केस में हमारा इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है एरिया अंडर द कर्व, और राजे वो सिर्फ कितना सा है, वो सिर्फ इतना सा है, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये दिस इज माई एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इंजन सिर्फ इतना, सिर्फ इतनी सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, पर ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारी जो मशीन है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है राजे, एच एच ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये जे नजर आ रहा है, इससे के नीचे का ये सारा एरिया, ये नजर आ रहा है आपको, ये एच जे, इसके नीचे का सारा एरिया, दैट इज माई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन। ठीक है, तो जब क्रैंक बी से सी तक घूमती है, इसमें क्या होता है कि इंजन जितनी पावर चाहिए मशीन को उससे कम पैदा करता है। ठीक है, पर मशीन को तो पूरी पावर चाहिए। ठीक है, तो वो एनर्जी अब कहां से सप्लाई होती है, फ्लाईव्हील से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने फ्लाईव्हील को डिपॉजिट कराई थी, अब हमें जरूरत है उस एनर्जी की, हमारे पास कम एनर्जी है, तो हम उस फ्लाईव्हील से एनर्जी को वापसी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो राजी देख रहे हो कर्व, कर्व क्या है, कर्व ये है। ठीक है, कर्व ये है। ठीक है, तो और मेन टॉर्क वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो मेन टॉर्क से नीचे का जो एरिया होता है ये वाला, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स माई लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो एरिया है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी की इतनी कमी हो गई, और ये सारी एनर्जी अब हमें कौन सप्लाई कर रहा है, फ्लाईव्हील। ठीक है, तो फिर हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद अगेन यहां से यहां तक क्या होता है कि इंजन सरप्लस एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ इसके नीचे वाली एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये सरप्लस एनर्जी सारी कहां चली जाती है, फ्लाईव्हील के अंदर। ठीक है, जिससे फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे फ्लाईव्हील की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद इस हिस्से में, मतलब बी से ए तक देखिए क्या हो रहा है, कि हमें इस लाइन के नीचे की एनर्जी चाहिए, पर हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस्ड कम है, तो ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं, ये जो एरिया मीन टॉर्क के नीचे का जो एरिया है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स माय लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतनी एनर्जी की कमी हो रही है, तो हमने यहां पे जमा कराई है फ्लाईव्हील के अंदर, हम इतनी एनर्जी उससे वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक ऐसा इंजन है जो एक रेवोल्यूशन में अपनी साइकिल को पूरा कर लेता है, तो जीरो से लेकर टू पाई तक मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद आप देखिए पॉइंट ए, पॉइंट एफ, ठीक है, ये पॉइंट ए, पॉइंट एफ, ये साइकिल बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आया, और अगर आपको ये समझ आया तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्या राजा आप बता सकते हो कि किस पॉइंट पे फ्लाईव्हील की एनर्जी मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे फ्लाईव्हील की एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, यू कैन पॉज द वीडियो, आप लेक्चर को पॉज कर सकते हो और सोच सकते हो कि किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, वैसे तो आपका आंसर मेरे ख्याल से सही होगा, पर मे बी अगर आपने आंसर दिया है पॉइंट जी पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और इस पॉइंट पी पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, फिर के पे मैक्सिमम है और क्यों पे मिनिमम है, तो आपका आंसर, सॉरी, आपका आंसर गलत है। ठीक है राजे, टर्निंग मोमेंट डायग्राम में यहाँ पे टॉर्क है, इस पॉइंट पे टॉर्क मैक्सिमम है, ये बात सही है, इस पॉइंट पे टॉर्क मिनिमम है, ये बात सही है, पर फ्लाईव्हील की एनर्जी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, फ्लाईव्हील की एनर्जी इस पॉइंट पर, एच पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। क्यों? फ्लाईव्हील की एनर्जी क्या थी, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे फ्लाईव्हील की एनर्जी ई थी। ठीक है, तो उसमें आपने इतनी एनर्जी अब जोड़ी, तो अब उसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, अब इतनी एनर्जी उसमें से निकाल ली, तो इस पॉइंट पे उसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम। ठीक है, फिर आपने उसमें इतनी एनर्जी जोड़ दी, फिर इस पॉइंट पे उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, और फिर आपने उसमें से इतनी एनर्जी निकाल ली, तो इस पॉइंट पे उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। समझ आया आपको? ठीक है, तो क्या चीज की ये जो पॉइंट है, यहां पर उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, फिर इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, फिर इस पॉइंट पे मिनिमम होगी, फिर इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, और फिर मिनिमम, और इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, हमारी मीन टॉर्क वाली लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए, अब आपको एक बार समझ आ गई कि मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी के पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, ये मेरी मीन टॉर्क की लाइन पर लाई करेंगे,
और दूसरी बात आपको ये समझ आ गई कि जो मैक्सिमम जो एरियाज हमारे मीन टॉर्क लाइन के ऊपर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी एडेड टू द फ्लाईवील, और जो मीन टॉर्क वाली लाइन के नीचे है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लाईवील. सो दिस इज माई एरिया ए वन, दिस इज माई एरिया ए टू, दिस इज माई एरिया ए थ्री, दिस इज माई एरिया ए फोर. ठीक है राजी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं. क्या कि किस पॉइंट पे फ्लाईव्हील की स्पीड सबसे ज्यादा होगी और किस पॉइंट पे फ्लाईव्हील की कि वो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां पे फ्लाईव्हील की स्पीड सबसे कम होगी. ठीक है तो अभी इसका आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है. क्या कि अगर इस पॉइंट पर फ्लाईव्हील की एनर्जी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर फ्लाईव्हील की एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो इन दोनों पॉइंट्स पर फ्लाईव्हील की स्पीड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. और अगर इन दोनों पॉइंट्स पर इस पे और इस पे अगर इन दोनों पॉइंट्स पर फ्लाईव्हील की स्पीड एनर्जी अगर मिनिमम है तो इन दोनों पॉइंट्स पर फ्लाईव्हील की स्पीड भी क्या होगी, मिनिमम होगी. ठीक है तो मैं आपको बताता हूं कि न्यूमेरिकल्स वगैरह किस तरह से मतलब उनमें क्या पूछा जाता है और किस तरह से वो सॉल्व किए जाते हैं. तो अब थोड़ा अपनी डिस्कशन को उस ओरिएंट में लेके जाते हैं. सपोज कीजिए राजी एफ पॉइंट पर आपके फ्लाईव्हील के अंदर एनर्जी कितनी है ई. ठीक है इस पॉइंट पर आपके फ्लाईव्हील में एनर्जी कितनी है ई कैपिटल ई. ठीक है तो राजी एच पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी, एच पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी, इट विल बी ई प्लस ए वन. राजी ये एरिया कितना है ए वन. ठीक है तो दिस विल बी माई मैक्सिमम वैल्यू, ये ज्यादा वाली वैल्यू होगी. ठीक है उसके बाद यहां पर मैं एनर्जी ए टू मात्रा एनर्जी निकाल लूंगा तो इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी एच, दिस इज माई पॉइंट जे, जे पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी ए प्लस ई प्लस ए वन, ये इस पॉइंट पे थी. ठीक है माइनस ए टू, अब मैंने इसमें से ए टू निकाल ली, ए टू मैंने निकाल ली. ठीक है तो यहां पर एनर्जी कम होगी. ठीक है अब मुझे निकालना है एल पॉइंट पर कितनी होगी, एल पॉइंट पर मेरी एनर्जी कितनी होगी राजे, जे पे कितनी है, जे पे कितनी है ई प्लस ए वन माइनस ए टू. ठीक है ये जे पर है. ठीक है अब उसमें ए वन एनर्जी एड कर दूंगा प्लस ए टू. ठीक है तो ये आ गई मेरी एनर्जी एल पर. ठीक है और F पर कितनी है, F पर कितनी है, ठीक है F पे कितनी हो जाएगी राजे, L पे कितनी है E प्लस ए वन माइनस ए टू प्लस ए सॉरी यहां ए थ्री आएगा. ठीक है प्लस ए थ्री, इस पॉइंट पे कितनी है इतनी एनर्जी, अब इसमें से ए फोर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं. ठीक है माइनस ए फोर ये. ठीक है सो इस तरह से एनर्जी चलती रहेगी. ठीक है यहां की एनर्जी है E, यहां की प्लस ए वन, यहां के माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है पर क्योंकि ये साइकिल दो पाई के बाद रिपीट हो रहा है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्या कि पॉइंट एफ पर एनर्जी कितनी है ई. ठीक है और पूरा साइकिल पूरा करने के बाद पॉइंट एफ पर एनर्जी कितनी है इतनी. ठीक है तो दिस एनर्जी इज इक्वल टू दिस एनर्जी, यानी कि ये पूरा किसके बराबर है कैपिटल ई के. ठीक है तो ई से ई कट जाएगा. ठीक है ई से ई कट जाएगा और मेरी इक्वेशन क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है ये क्या आ गया जीरो. अब अगर आप चाहो तो प्लस वाली टर्म्स एक तरफ माइनस वाली एक तरफ, तो मेरे पास क्या आता है ए वन प्लस ए थ्री, ए वन प्लस ए थ्री, ए वन प्लस ए थ्री इज इक्वल टू ए टू प्लस ए फोर, ए टू प्लस ए फोर ये. ठीक है ये चीज समझा आपको. ठीक है तो आपको एक और नई बात पता चली क्या कि जो मीन टॉर्क वाली जो लाइन है हमारी, ठीक है उसके जो ऊपर के एरियाज हैं उनका सम इज इक्वल टू नीचे के एरियाज का सम. ठीक है एक ये फैक्ट हमें पता चला है. ठीक है अब राजे कुछ अब जो डिस्कशन हम इससे आगे कर रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू गेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे आगे का सारा डिस्कशन एग्जाम में यूज होगा. ठीक है तो राजी अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि हर पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू आपके पास है एफ एच, मतलब इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे. ठीक है चार पॉइंट्स हैं मेरे पास, चारों पे एनर्जी की वैल्यूज आपको मालूम है. आपको पता है, आपको पता है कि किस पॉइंट पर एनर्जी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर भी ज्यादा है और इस पॉइंट पर भी ज्यादा है. ठीक है और आपको मालूम है किस पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम है, ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर भी मिनिमम है और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर भी मिनिमम है. यहां तक आपको मालूम है. ठीक है राजी ये दोनों मैक्सिमम वैल्यूज में से एक वैल्यू बड़ी होगी. ठीक है ना ये दोनों वैल्यूज में से एक एनर्जी की वैल्यू बड़ी होगी अगर ये दोनों सेम नहीं है तो. ठीक है तो दैट विल गिव मी माई
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील, ठीक है, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है, और ये भी कम वाली वैल्यू है और ये भी कम वाली वैल्यू है, ठीक है, तो इन दोनों में से जोन सी कम वाली वैल्यू होगी, इन दोनों में से, अगर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, अगर, ठीक है, तो इनमें से जोन सी कम वाली वैल्यू होगी वो मुझे क्या देगी, माई मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील, ई मिनिमम, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। दूसरी चीज राजी क्या, कि जब मेरी एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मेरे फ्लाईव्हील की स्पीड भी मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो इस मैक्सिमम एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग मेरी फ्लाईव्हील की स्पीड भी मैक्सिमम होगी, सो दैट विल गिव मी माय ओमेगा वन या ओमेगा मैक्सिमम या फिर एन वन, ठीक है यार, हम दोनों इंजीनियर्स हैं, ठीक है, तो ये है रेडियस पर सेकेंड में और ये है आरपीएम में, ठीक है, हम जानते हैं। और जो मिनिमम एनर्जी होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा टू या फिर एन टू, ठीक है, सो दिस इज माई मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज माई मिनिमम आरपीएम। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है, तो ये आ गया मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्लाईव्हील की, ये आ गया मेरा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फ्लाईव्हील की, ये आ गया मेरा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील और ये आ गया मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद एक नई टर्म आती है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अब हम सारी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, सो दिस माइनस दिस, ये क्या आ जाएगा मेरा, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास आता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ये क्या होगा, दैट विल बी माई मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड। यहां तक समझ आ गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, ठीक है, या फिर एन वन माइनस एन टू, जिस भी यूनिट्स में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आती है मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी या मीन स्पीड, ठीक है, मीन स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, वो आप जानते हो, मीन क्या होगा, व्हाट विल बी माय मीन स्पीड, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू, ठीक है, ये क्या होगा मीन, या अगर आरपीएम में बात करें तो n1 प्लस n2 by 2, ये क्या होगी मेरी मीन स्पीड, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा मीन, ठीक है, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं आरपीएम मीन। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है राजे जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए होगी, दैट इज, पहली बात ये दोनों चीजें क्या है, ये है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, क्या है ये, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है। अगली टर्म है कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है, अगली टर्म क्या चीज है, कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो वो क्या होता है, उसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और ये क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड यानी कि एन वन माइनस एन टू, एन वन माइनस एन टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन स्पीड एन एम, ठीक है, या फिर ये क्या होगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय ओमेगा मीन, ठीक है, या फिर के क्या चीज है, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय ओमेगा मीन, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। इसी तरह से एक और भी टर्म है जो वैसे एग्जाम्स में यूज नहीं होती, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या, एक होता है कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है राजी, हमने यहां पर लिखा था स्मॉल ई, स्मॉल ई क्या चीज थी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, स्मॉल ई क्या था, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, ठीक है। एक होता है कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, वो क्या होता है, इट इज माई फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल, ठीक है, कि एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, पर यह एग्जाम्स में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई, ये सारी के सारी आपको, मतलब जो भी एग्जाम आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड देने जाएंगे, जिसमें भी फ्लाईव्हील का न्यूमेरिकल आएगा, ये सारी टर्म्स आपको वहां पर चाहिए होंगी, ठीक है। तो आइए अब हम एनालिसिस करके देखते हैं फ्लाईव्हील का, फ्लाईव्हील का एनालिसिस करके देखते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टडी करते हैं।
एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो रजे मतलब अभी तक मैंने आपको बताया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस है. कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल. ठीक है, और मैंने आपको बताया मैक्सिमम स्पीड ओमेगा वन, मिनिमम स्पीड ओमेगा टू, मीन स्पीड ये है ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू. ठीक है, और मैंने आपको बताया फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यह है ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू. एक है कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये क्या है ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय ओमेगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई है. ठीक है, अब मैं निकालने की कोशिश करता हूं राजे. अब जो मैं आप डेरिवेशन तो नहीं कहूंगा, बड़े सिंपल सा मैथ से राजे, नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट उसे बड़े आराम से कर सकते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, पर ये आपको गेट में बाकी एग्जाम्स में चाहिए होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए पूरा. मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा लास्ट वाला फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि बहुत रेयर ही कभी फॉर्मूला चाहिए होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पूरा एनालिसिस ही चाहिए होता है. ठीक है, तो निकालते हैं राजी ई. ठीक है, व्हाट इज स्मॉल ई, स्मॉल ई क्या चीज है, हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. ठीक है राजी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या था, इट वॉज माई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये क्या आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर. ठीक है, माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा, हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ आई ओमेगा वन, ये राजे ओमेगा वन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू. सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है राजे, जो टू है ना टू, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू. ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ओमेगा आई ओमेगा ओमेगा मीन. ठीक है, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू, ये क्या हो गया, ओमेगा मीन इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू. ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब ओमेगा मीन से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा ओमेगा मीन. ठीक है, ये मेरा ओमेगा मीन आ गया. ठीक है, तो राजी ये टर्म क्या बन गई, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाय ओमेगा, ये क्या बन गया, दैट्स माई कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. ठीक है, तो ये क्या बन गया, आई ओमेगा मीन स्क्वायर के. सही है, यहां तक समझ आ गया आपको. ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई राजे, k यानी कि कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, इसकी वैल्यू क्या आ गई, e डिवाइडेड बाय i ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है. ठीक है राजे, यहां पर भी ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया है, मैं यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है, सो इट गिव्स मी e डिवाइडेड बाय राजे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और हाफ 2 से डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट विल गिव मी माय मीन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा क्या है, मीन स्पीड, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, मीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील. तो ये क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल ई, जहां पर कैपिटल ई क्या चीज है, My average kinetic energy of the flywheel. ठीक है, तो राजे अब मतलब आपको flywheel से related almost सभी चीज, almost क्या, A to Z सारी चीजें बिल्कुल crystal clear हो चुकी हैं, समझ आ चुकी हैं. ठीक है, आपको किसी भी तरह का flywheel से related कोई भी question किसी भी exam में आएगा, आप उसे बड़े ही आराम से, बहुत ही प्यार से solve कर सकते हैं. ठीक है, अभी आगे भी और भी कुछ important facts मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, एक तो राजे आई, आई क्या चीज है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील. ठीक है, आई क्या चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील. ठीक है, और राजे आई का फॉर्मूला होता है राजे, अगर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है
रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन ठीक है, के की वैल्यू दे रखी है, तो आप जानते हो कि आई का फॉर्मूला क्या होगा, एम के स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है, एम के स्क्वायर सीधा। और यूनिट्स क्या होती है आई की, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये उसकी यूनिट्स होती है ठीक है, इज इक्वल टू। राजे अब थोड़ा ध्यान से, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ फ्लाईव्हील दिया हुआ है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो डिस्क है, डिस्क वो क्या है, एक डिस्क है ठीक है, और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर ठीक है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर ठीक है। ये किसके लिए, डिस्क के लिए, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा ठीक है। किसी रेयर केस में, हालांकि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, पर किसी रेयर केस में अगर जो फ्लाईव्हील है वो रिम शेप का है, रिम जैसे साइकिल का अगला पहिया, जो साइकिल के व्हील्स होते हैं आपने देखा, उसमें स्पोक्स होते हैं और सारा का सारा मास बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो फ्लाईव्हील अगर रिंग या रिम शेप का है, तो ऐसे केस में हम एम आर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे ठीक है। ये फ्लाईव्हील जब रिंग या रिम शेप का है तो ठीक है। तो ये है फ्लाईव्हील का एनालिसिस। इस एनालिसिस को करने के बाद आप क्वेश्चन कोई सा भी किसी भी एग्जाम का बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें मतलब खुद ही क्वेश्चन से उठानी पड़ती है, जैसे एक बार शायद गेट 2014 की बात है, उसमें डायग्राम कुछ इस तरह से आया था ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरह से, यहां पर ओमेगा दे रखा था और ये था 10 रेडियंस और ये था 20 रेडियंस ठीक है। तो यार हम इंजीनियर्स है, ग्राफ पढ़ सकते हैं ठीक है। ये मतलब यहां पर मिनिमम स्पीड कितनी दी हुई थी, 10 रेडियंस पर सेकेंड, और मैक्सिमम ओमेगा 1 क्या था, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो कई बार आपको डायग्राम से वैल्यू खुद उठानी पड़ती है ठीक है, देख के। इसी क्वेश्चन के अंदर जो टॉर्क की डिटेल्स थी वो भी बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में दी हुई थी, शायद कुछ इस टाइप का कर बना हुआ था ठीक है। तो ये मतलब ये जीरो था, दैट्स माई टॉर्क, ये मीन टॉर्क, टॉर्क यहां पे था और यहां पर एंगल था ठीक है। अब राजे कुछ ऐसी कहानी बन रही थी कि ऊपर का एरिया ये वाला ठीक है, ये वाला एरिया भी शायद 1500 पाई बन रहा था ठीक है, और ये नीचे वाला एरिया भी क्या बन रहा था, 1500 पाई ठीक है। तो अगर कभी आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन दी जाए तो आपको देखते ही एक चीज समझ आ जाएगी क्या, कि जो मेरी मीन टॉर्क वाली लाइन है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि मीन टॉर्क वाली लाइन के ऊपर और नीचे का एरिया कॉन्स्टेंट सेम होता है, सेम होता है, तो यही क्या है, यही लाइन मेरी क्या है, मेन टॉर्क वाली लाइन, यानी कि एनर्जी की जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यूज है वो भी कहाँ लाई करेगी, वो भी यही लाई करेगी। तो अगर इफ दिस इज माय मैक्सिमम एनर्जी कैपिटल ई, सॉरी दिस इज माय एनर्जी कैपिटल ई, तो ये मेरी होगी, ये एरिया एड होगा, तो ये क्या होगा, ई प्लस 1500 पाई ठीक है। सो दिस विल गिव मी माय मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील, और ये वाला एरिया माइनस का है, तो इस वैल्यू में से मैं 1500 पाई माइनस कर दूंगा, तो यहां पर फिर से मेरी एनर्जी क्या आ जाएगी, ई ठीक है। तो फ्लाईव्हील का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, आप सबसे पहले आप मुस्कुरा सकते हैं, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे 2 नंबर दे के जाएगा ठीक है। पर अभी मेरे पास आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स हैं ठीक है, और वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बोनस पॉइंट्स क्या चीज है राजी, इस लेक्चर में आपके लिए एक छोटे से पॉइंट्स हैं राजी, मतलब 2008 से मैं स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, मुझे पता है कि गलती कहां पे होती है। मैं आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं क्या, कि राजी पहली बात तो अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी का, स्पीड का फ्लक्चुएशन, अगर सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में 0.5% दिया गया और आगे लिखा है प्लस माइनस ठीक है, कि प्लस ऊपर भी 0.5% ऊपर भी जा सकती है, माइनस 0.5% मतलब नीचे भी वैल्यू 0.5 नीचे भी गिर सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि के क्या चीज है, कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ठीक है फ्लाईव्हील का, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी प्लस माइनस, इट इज 1% ठीक है। तो ये राजी ये मेरा मीन स्पीड है, ये तो 0.5 में ऊपर जा सकता हूं, 0.5 में नीचे जा सकता हूं, तो मेरा ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाय ओमेगा मीन ठीक है, वो कितना होगा, इट विल पूरा कितना आएगा, 1% ठीक है। और
दूसरी गलती क्या है ये, ठीक है, के कभी भी परसेंट में नहीं होता, ये दूसरी मिस्टेक है, ठीक है, क्या चीज, तो परसेंट में नहीं होता, के हमेशा फ्रैक्शन में होता है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज 0.1%, यानी 1/100, यानी 0.01, ठीक है। और अजय जब भी आप टॉर्क वगैरह पुट करें, ध्यान रखिए कि न्यूटन मीटर में पुट कीजिएगा और आंसर वॉट्स में आएगा, और क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि आंसर मांगा किस में गया है, ठीक है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए तो आपका क्वेश्चन फ्लाईव्हील का मतलब ऑलमोस्ट गारंटेड सही जाएगा, ठीक है। तो आई होप हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, हमारा ये लेक्चर अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है तो आप इस लेक्चर को सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा बाकी बच्चों के साथ, ताकि हम ऑलमोस्ट हर बच्चे की हेल्प कर सकें। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या अगर आपको कोई भी डाउट हो, या अगर आपको कोई पूरी मैकेनिकल के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको ना समझ आया हो या मुश्किल लगता हो, ठीक है, आप उसे नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उस जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं आपके उस टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगा। फ्लाईव्हील का भी ये भी एक कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर फ्लाईव्हील के ऊपर हमें एक लेक्चर की ज़रूरत है, तो मैंने इस लेक्चर को बना के डाला है। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, मुझे हमेशा ही आपके कमेंट्स का तहे दिल से इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो हम मिलेंगे कल एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।